राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के आंचल मदर मिल्क बैंक में चल रहे विश्व स्तनपान सप्ताह के दूसरे दिन की शुरुआत बुधवार को डॉक्टर विद्या सक्सेना एवं मदर मिल्क बैंक के स्टाफ द्वारा भगवान गणपति के प्रतिमा पर माला चढ़ाकर की गई। इस दौरान डॉक्टर विद्या सक्सेना ने मां के आंचल के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने गर्भाधारण से लेकर जन्म तथा उसके लालन पालन के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर सक्सेना ने बच्चे को हर हाल में 6 माह तक मां का दूध पिलाने की बात कही। डॉक्टर विद्या सक्सेना ने बताया कि नवजात बच्चों के लिए मां का दूध सर्वोत्तम आहार है। डिब्बे का दूध बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इस दौरान डॉक्टर मनोहर चांदावत ने KNC यानी कंगारू मदर केयर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मदर मिल्क बैंक मैनेजर नताशा भाटी ने स्तनपान की महत्वता को बताते हुए KMC CLMC के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान स्तनपान को लेकर पोस्टर तथा स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें NM ट्रेनिंग सेंटर पूजा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए एक से बढ़कर एक पोस्टर बनाए तथा स्लोगन लिखे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विद्या सक्सेना, डॉक्टर मनोहर चांदावत, मिल्क बैंक मैनेजर नितिशा भाटी, पार्वती महेंद्र, सीमा चौहान, सुदर्शना सिस्टर, हेता अजमेरा, अंबिका, ममता, जैस्म, अंजू, हेमलता, दिव्या, अनामिका तथा गुनगुन आदि मौजूद रहे। डॉक्टर विद्या सक्सेना जी ने गणेश जी को माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में रूप रजत नर्सिंग कॉलेज, पूजा नर्सिंग कॉलेज, NMTC नर्सिंग कॉलेज की नर्सिंग छात्राएं उपस्थित रही है। और आज दूसरे दिवस पर पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज छात्राओं को KMC, CLMC और इसके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई।